गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे बेटा। मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और आज हम एक्सरसाइज 5G करेंगे बेटा। 5G का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। 7/15 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लें। हमने देखा 5 और 15 सिमिलर टेबल में आते हैं। 5 की 5 वन 5 एंड 5 3 15। हमारे पास बचा 7/3 × 1/1। 7 वन 7 एंड 3 वन 3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 11/13 मल्टीप्लाई बाय 13/24। देखिए 11/13 × 13/24। 13 से 13 चला गया बेटा, हमारे पास 11/24 आंसर बचा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है बेटा डिवाइड। अब हमें इन फ्रैक्शंस का डिवाइड करना है। 3/4 का डिवाइड करना है 10/14 से, यानी 3/4 डिवाइडेड बाय 10/14, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14/10। 2 की टेबल से हमने देखा तो 2 2's are 4 and 2 7's are 14। हमारे पास बच्चा 3/2 × 7/10, दैट इज 3 7's are 21 and 2 10's are 20, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा हमसे, रिया हैड 5/6 पार्ट ऑफ अ चॉकलेट बार। रिया के पास एक चॉकलेट बार का 5/6 पार्ट था। शी एट 1/6 ऑफ इट, और उसने 1/6 उसका खा लिया। हाउ मच पार्ट वॉज लेफ्ट, तो अब उसके पास कितना पार्ट बचा हुआ है। देखिए बेटा 5/6 का 1/6 उसने खा लिया, तो उसके पास बचा हुआ है बेटा 5 × 5 and 6 6 are 36, 5/36 पार्ट। क्लियर। 4 देखिए, 33 किलोमीटर चलने के बाद अक्रम फाउंड दैट, अक्रम ने देखा कि 2/5 ऑफ हिज जर्नी वॉज स्टिल लेफ्ट। 2/5 उसकी जर्नी अभी भी बची हुई है, तो हमसे पूछा है फाइंड द होल जर्नी, तो उसकी होल जर्नी कितनी होगी। देखिए 33 का 2/5 कितना हो गया हमारे पास 66/5, यानी 66/5 अभी बचा हुआ है। ठीक है, और होल मतलब उससे पूछा कहता है लेंथ कितनी होगी होल जर्नी की। 33 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा हमारे पास 3/5, यही तो हो गया। तो और 1/5 का मतलब हो गया बेटा 33 × 3/5, दैट इज 99/5। तो 5/5 का मतलब हो गया 99.5 × 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बचा 99, यानी उसकी होल जर्नी कितनी हो गई 99 किलोमीटर। क्लियर बेटा। इस एक्सरसाइज को करिएगा, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू क्लास।